लगी है कड़ाके की सर्दी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब रंजना वेज फूड चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों को हैप्पी ठंड। तो ठंड आ गई है दोस्तों, ये देखिए आज हमारे यहाँ जो है इतना तेज़ी से कोहरा पड़ा हुआ है कि पूछो ही मत, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और सुबह के टाइम हम उठ गए हैं और शुरुआत होती है हमारी गौ माता से। तो गौ माता को हम घर के अंदर से जो है बाहर लेकर आ गए हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम चारा खिलाते हैं। और इनको भी हम ओढ़ा देते हैं जो है बिछौना, क्योंकि ठंड लग रही है। इनको भी हम लोग तो स्वेटर पहने रहते हैं, तो घर का कुछ कंबल है पुराना, वही हम ओढ़ा दिए हैं। और जो है नाद साफ़ कर देते हैं, इसमें पुराना चारा पड़ा हुआ इसको निकाल के फिर दूसरा डालेंगे, तब जो है हमारी गाय आराम से खाएगी। तो सुबह हमारा काम जो है हो गया है शुरू। और इतना ज़्यादा आज कोहरा पड़ा हुआ है दोस्तों, पूछो ही मत। आज है जो है 2 दिसंबर, तो दिसंबर शुरू होते ही इतनी तेज़ी से जो है ठंड पड़ने लगा है। तो अब इनको हम चारा डाल देते हैं, और चारा डाल करके अब हम इनकी जो गाय को मैंने जो बिछौना उड़ाया हुआ है इसकी रस्सी बांध देते हैं, नहीं तो ये पूरा गिरा देती है, अच्छे से उड़ती नहीं है। तो पहले इसको हम रस्सी से बांध देते हैं, फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम गाय के जो है चलावन लेकर आ गए हैं, और एक पानी भी लेकर आ गए हैं साथ में, क्योंकि भूसा है, भूसा का जब गाय खाती है चारा तो तुरंत उसको प्यास लग जाता है। पानी हम यहीं पर रखे रहते हैं, जब वो चारा खा के उसको पानी पीना होता है तो तुरंत पी लेती है। और जो है पशु होते हैं तो पानी में चारा खाते हैं, तो ये हमारी गाय जो है पानी में चारा नहीं खाती है, तो इसको हमें सूखा खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए हम जो है चलावन है उसको चला देते हैं, तो अच्छा सानी कर देंगे ना, तो गाय मेरी अच्छे से चारा खा लेगी। तो फटाफट से हम इधर जो है सानी कर देते हैं गाय को। और इस समय जो है सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे का ये है जो टाइम है। इतना तेज़ जो है आप लोग को दिखने को मिलेगा कोहरा 6:30 बजे, कितना ज़्यादा जो है उजाला हो जाता है। लेकिन आज देखिए जरा सा भी उजाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ धुआं धुआं सा आप लोग को चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। अब इधर हम जो है गोबर उठा लेते हैं। अभी जो है कल परसों हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो गोबर की पथाई हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बारिश हुई थी। अब जो है जब धूप निकलने लगेगा तब उसके बाद पथाई करेंगे, तो यहाँ से गोबर हम उठा करके दूसरे जगह पर रख देते हैं। दो दिन जो है बारिश भी हो गई है, तो इसीलिए बहुत और ही ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। तो दिसंबर से ही जो है ठंडी पड़ना शुरू हो गया दोस्तों, अभी तो पूरे जनवरी और फरवरी बाकी पूरी है, पड़ी हुई है 2 महीना पहले से इतनी तेज़ी से ठंडी पड़ रही है। अभी जो है गेहूं की बुआई भी नहीं हो पाई है हम लोगों के यहाँ। अब इधर आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, द्वार पर लगा लेते हैं हम झाड़ू। तो ये सब हमारा जो है डेली का काम होता है, हमको ये सब सुबह जो है रोज़ करना पड़ता है ये सब काम। फटाफट से द्वार पे हम झाड़ू लगा करके सफाई कर देते हैं। पूरा द्वार जो है साफ करना होता है, साफ रहता है द्वार तो अच्छा लगता है काफ़ी। घर में तो हमने झाड़ू लगा लिया हुआ है, और बर्तन तो हम जो है शाम को ही जो भी रहता है पूरा बर्तन हम शाम को ही धो के रख देते हैं, तो सुबह बर्तन मांजना नहीं रहता है, यही सब काम जो रहता है तो ये हम सब कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो है फूल लगाया हुआ है, तो हमारे यहाँ फूल जो है खिलना शुरू हो गया है। देखिए गेंदा का फूल बहुत ही प्यारा प्यारा निकला हुआ है, और इसको देखिए ये वाला फूल भी है हमारा। और ये देखिए एक पेड़ जो है इतना ज़्यादा फूल खिल गया, किसकी टहनियाँ जो है नीचे गिर गई हैं, कल बारिश हो गई थी तो इसको मैंने रस्सी से बांध करके यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है। और ये एक फूल है देखिए हमारा, अभी जो है सिर्फ कल ही लिया हुआ, अभी खिला नहीं है, जब खिलेगा तो वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। और इस समय जो है कोई फूल लगाए रहते हैं बहुत ही अच्छे से खिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और गेंदा का फूल ज़्यादातर यहाँ पर जो है खिला हुआ है, एक गेंदा का फूल जो है और भी है यहाँ पर, देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं फूल ज़्यादा लगाती हूँ। फूल का पौधा हमको जितना मिलता है उतना लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक और है, ये भी इतना ज़्यादा खिल गया कि इसकी भी टहनियाँ जो है गिर गई है नीचे। इसको भी बांध के हमने ऊपर किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये झुका जा रहा है नीचे एकदम ज़मीन पर। तो रसोई के पास आ गए हैं, इधर चूल्हा साफ़ करेंगे और यहाँ पर भी जो है मिट्टी से लिपाई करेंगे। चूल्हा साफ़ करना भी इधर रह गया है, तो फटाफट से अपनी चूल्हा की सफाई कर लेते हैं। देखिए चूल्हा के बगल में ही मैंने इतना जो है फूल का पौधा लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और फूल भी खिल चुके हैं इस समय, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग के यहाँ इतना तेज़ कोहरा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। आज जो है 2 दिसंबर है, और 2 दिसंबर के दिन इतना तेज़ जो है कोहरा पड़ा हुआ है और इतना तेज़ ठंडी पड़ रही है। फाइनली अभी देखिए दोस्तों हम लोग ब्रश कर रहे हैं, हम लोग नहीं हम तो अभी फाइनली दोस्तों हमको नहाना है। तो अभी हम नहाएंगे, फिर उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। अभी जो है इसमें 7:30 हो रहा है टाइम, और ब्रश व्रश हमने कर लिया है। तो आज मेरे यहाँ बहुत ही ज़ोरों से जो है कोहरा पड़ा हुआ है। आप लोग को दिखा देते हैं अपने खेत खलिहान का व्यू, आप लोग थोड़ा देख लीजिए इधर भी। खेत खलिहान में तो अकेले जाने का मन ही नहीं करेगा, इतना ज़्यादा भयानक लग रहा है। देखिए इधर देखिए आप लोग, पूरा पीछे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ धुआं धुआं दिखाई पड़ेगा। देखिए इस तरफ हम आ गए हैं। तो और गांव में जो है गेहूं को बुआई और लोग कर चुके हैं, और लोग नहीं, देखिए इसमें से गेहूँ बोआ जा चुका है। इसमें भी अभी हम लोगों के यहाँ तो नहीं बुआई हुई है, बारिश हो गई थी, खेत कच्चा हो गया, जब पक जाएगा तभी जाके बुआई होगी। इधर हमारी बिटिया रानी को आप लोग देख लीजिए, देखो पूरा स्वेटर वेटर पहना दिए हुए हैं, तो कितना गुस्सा में देखिए देख रही है। कैमरा इनके सामने कर दो तो इनको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए जो है भैया लोग इतने सुबह सुबह देखिए एकदम अपने काम में जुट गए हैं। तो गांव में दोस्तों यही होता है कि जिसको जो काम करना रहता है अपना काम करने लगते हैं, चाहे ठंडी पड़े चाहे जो पड़े। और अभी देखिए सब लोग अपना काम में शुरू कर दिए हुए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।